सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आपने ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पे ज़रूर से देखी होगी। गाइस, ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। सो गाइस, आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत आसान तरीके से। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है फेस प्ले। फेस प्ले जब आप सर्च कर लो, ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइस, आपको इसको सिंपली ओपन करना है, और ओपन करने के बाद कुछ परमिशन मांगेगा, मतलब अलाउ वगैरह की आपको कर देनी है। और आपसे ये पूछेगा ये कि आप कौन सी आईडी से लॉग इन करना चाहते हो। जीमेल से भी कर सकते हो आप इसे, फेसबुक से भी लॉग इन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने इसे लॉग इन कर रखी है इसलिए मेरे में ऑप्शन नहीं आया। जब आप ओपन जीमेल से लॉगिन कर लो, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब गाइस, जो ट्रेंड में एडिटिंग चल रही है वो इस टाइम ये वाली चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ। आप ये वाली देख सकते हो और एक ये वाली, सबसे ज़्यादा ये वाली दो ट्रेंड में चल रही है इस टाइम। अगर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगी? आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर गाइस आपको एक प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, चूज फ्रॉम एल्बम करना है, और यहाँ से आपको एक फ़ोटो ले लेनी है जिस फोटो पर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो। उसके बाद गाइस, यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन आएगा, आपको कंफर्म कर देना है। जब आप कंफर्म करोगे तो गाइस आप स्टार्ट मेकिंग का ऑप्शन आएगा, आपको स्टार्ट मेकिंग कर देना है। जब आप ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, प्रीमियम फीचर्स। गाइस, अगर आप ये वाले फीचर्स लगाना चाहते हो तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो एक वीक के लिए जितने पैसे यहाँ पर बनकर आए, आप कोई सा भी पैक ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब गाइस, मैं बताने वाला हूँ आप इस ये वाली एप्लीकेशन को फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। कैंसिल करने के लिए गाइस क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें पेड वाले फ़िल्टर कौन से और फ्री वाले कौन से, ठीक है। गाइस देखिए, जिस पर डायमंड जैसा आइकन बना रहा है ना, ये सब पेड है, आपको इसमें चार्ज करना पड़ेगा तभी आपकी ये वाली वीडियो बनेगी, ठीक है। और जिसमें गाइस ये प्ले वाला आइकन बना रहा है, ये बिल्कुल फ्री है। आप बॉय भी बना सकते हो, गर्ल भी बना सकते हो, इसे कोई भी ये वाली वीडियो को बना सकता है, ठीक है। प्ले वाला आइकन है, इस पर डायमंड वाला आइकन है, ये पेड है, ये पेड है, ठीक है। इस पर प्ले वाला आइकन है, ये फ्री है ये वाली, और आप देख सकते हो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, ये वाली फ्री है। तो गाइस, जिसमें आप फ्री करना चाहते हो आप इसे फ्री में भी बना सकते हो, और अगर आप जो ट्रेंड में एडिटिंग चल रही है पेड करके, वो वाली एडिटिंग भी बना सकते हो। अब बात करते हैं ये वाली एडिटिंग कैसे करनी है इसकी, ठीक है। मैं आपको फ्री वाले की करके दिखाता हूँ, पेड वाले की भी सेम होगी, आप वैसी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला फिल्टर फ्री है, इस पर प्ले का आइकन बना रहा है, जिस पर भी प्ले का आइकन बना है आपको वो ले लेना है। जैसे मैंने तीन चार वीडियो बना के रख लिए हैं, ठीक है। मैं आपको एक आध वीडियो और बनाकर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ इसका ट्यूटोरियल कैसे बनेगा। तो गाइस, जैसे मैं एक ये वाली वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। प्ले वाला आइकन बना रहा है, इस पर ये फ्री है, आपको इस पर क्लिक करना है, और पेड वाली करोगे तब भी आपको सेम एडिटिंग करनी है। आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको फोटो ले लेना है। कौन सा फ़ोटो लेना चाहते हो आप, जैसे मैं ये वाला फ़ोटो लेता हूँ, ठीक है। आपको कंफर्म कर देना है। जब आप कंफर्म करोगे आपको यहाँ पर स्टार्ट मेकिंग कर देना है, ठीक है। अब गाइस, दो ऑप्शन है आपके सामने। प्रीमियम करोगे आप, ऐड नहीं आएगा, इसमें चार्ज लगेगा। फ्री करना चाहते तो आपको फ्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसमें क्या होगा, इस ऐड चलेगा एक, आपको ये वाले ऐड को पूरा चलने देना है। 15-20 सेकंड का ऐड आता है, आपको इसे पूरा चलने देना है। जब पूरा हो जाए आपको तब कैंसिल करना है। तो गाइस, देख सकते हो ऐड यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जब मैं इसे कैंसिल करूँगा तो मैं यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, आपको इसको भी कैंसिल कर देना है, डाउनलोड नहीं करना है इसे, ठीक है। आपको दो बार यहाँ पर कैंसिल करके ये आपकी थोड़ी प्रोसेसिंग होगी, आपको इस ये वाली प्रोसेसिंग होने देना है। तो गाइस, देख सकते हो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी, यहाँ पर वीडियो बन चुकी है। अब आपको इसको गैलरी में सेव करना है, यहाँ पर आपको सेव वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगी। एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर आपको घबराना नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट पूरी हो जाएगी, आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। इस तरीके से गाइस आपको 4-5 वीडियो सेव कर लेनी है, अपनी जितनी वीडियो आप ऐड करना चाहते हो अपने ट्यूटोरियल में, अपने वीडियोज़ में, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो सेव हो चुकी है, और गाइस इस तरीके से मैंने 4-5 वीडियो सेव कर ली थी। आपको भी 2-3 वीडियो, आप जितनी वीडियो बनाना चाहो आप सेव कर सकते हो। चाहो तो आप पेड वाली वीडियो सेव कर सकते हो, या फ्री वाली वीडियो बनाकर सेव कर सकते हो। उसके बाद आपको बाहर आ जाना है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है VN एडिटर ऐप, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है।
इसे ओपन कर लेना है। आपको ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और गाइस यहाँ से आपको एक फ़ोटो ले लेना है अपना, जिस फ़ोटो की आपने ये वाली वीडियो बनाई थी। अगर आप वीडियो लेना चाहो अपनी, नॉर्मल वीडियो भी ले सकते हो। जैसे मैंने आपको ये वाले फ़ोटो की बनाकर दिखाई थी, मैं ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा मैं वीडियो वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं अपनी चार वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि जो मैंने चार वीडियो बनाई थी ना अभी, वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस दोस्तों यहाँ से मैं चार वीडियो ले चुका हूँ और एक फ़ोटो ले चुका हूँ। उसके बाद आपको नीचे एरो पर टिक कर देना है। जब आप एरो पर टिक करोगे थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और आपके फ़ोटो वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको फुल स्क्रीन पर वीडियो कैसे करनी है, ऊपर आपको ओरिजिनल पर टैप करना है और यहाँ से आपको 9:16 वाला साइज़ ले लेना है, ठीक है। फिर गाइस आपको लास्ट में जाना है, एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क का लोगो होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। फिर आपको शुरू में आ जाना है। यहाँ से गाइस इन वीडियो पर जो म्यूज़िक बज रहा है ना, आपको यहाँ से म्यूट कर देना है क्योंकि हमें इसमें दूसरा म्यूज़िक ऐड करना है। फिर आपको म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, म्यूज़िक पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना ये वाला म्यूज़िक। म्यूज़िक बीट्स पर क्लिक करना है और आपको एक बीट लगा लेनी म्यूज़िक पर। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ बीट कैसे लगती है। या फ्लैग देख रहे हो, आपको फ्लैग कर देना है और आपकी बीट लग जाएगी। आपको गाइस इतनी दूरी पर आपको बीट लगानी है 5.33 पर, इतने पर रोककर आपको फ्लैग कर देना, आपकी बीट लग जाएगी और यहाँ से आपको राइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आप देखिए म्यूज़िक तो यहाँ तक है और वीडियो जो हमारी ज़्यादा हो गई बड़ी हो गई, तो आपको क्या करना है गाइस, अपनी वीडियो को छोटा छोटा करना है। आप अपने हिसाब से बराबर बराबर वीडियो कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। सबसे पहले तो जो आपका फर्स्ट वाला फ़ोटो रहेगा या वीडियो रहेगी नॉर्मल, आपको ये वाले म्यूज़िक तक, ये वाली बीट तक कर देनी है। ऊपर बीट आ रही ना बनके, ये वाली आपको ये वाली बीट तक कर देनी है, फ़ोटो या वीडियो, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको अपनी वीडियो छोटी करनी है, जिसे मैं आपको जल्दी जल्दी छोटी करके दिखा देता हूँ। आप अपने हिसाब से छोटी कर सकते हो जो पार्ट आपको अच्छा लगे, ठीक है। जैसे मैं ये वाला पार्ट लेना चाहता हूँ वीडियो का, मैं ये वाला पीछे का डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जो पार्ट आपको अच्छा लगे, डिलीट कैसे करनी है आपको बता देता हूँ। जैसे मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ इस वीडियो का, ठीक है। आपको नीचे स्प्लिट करना है, इधर वाला पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस जैसे मैं इस वीडियो को और छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा और कर देता हूँ और इस वीडियो को मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। इधर वाला पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। अब लास्ट वाली वीडियो को भी मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। आप चाहो तो दो तीन वीडियो ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जितनी वीडियो आप ऐड करना चाहो। मैंने बस म्यूज़िक तक वीडियो कर ली। उसके बाद आपको शुरू में आ जाना है, आपको ये वाले प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इफेक्ट लगा लेना है। जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा लेना, वाइट भी लगा सकते हो, ब्लैक भी लगा सकते हो या कोई और सा भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको ये वाला लगाकर दिखाता हूँ, ब्लैक वाला, और नीचे आप अप्लाई टू ऑल कर दोगे, इससे हमारे सारे वीडियो में एक ही बारी में एक जैसा इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है गाइस, आपको इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड कैसे करोगे, आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है। क्या टाइप करोगे, जो वीडियोस में लोग लिख रहे हैं आपको वो टाइप करना है। अब मुझे याद तो है नहीं क्या टाइप करना है, ठीक है। मैं आपको इतना लिख कर दिखाता हूँ, चेंज डिफरेंट, आप देख लेना जो ट्रेंड में चल रहा है ना, आपको वही लिख देना है इसमें, ठीक है। आप देख लेना अपने हिसाब से। और कलर कैसे चेंज होगा, आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप कलर वगैरह बदल सकते हो जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ आपको नीचे राइट कर देना है। फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपको फॉन्ट अच्छे लगे बड़ा करके इस तरीके से खींच के और इसे आपको सेंटर में रख देना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको राइट कर देना है। और ये जो टेक्स्ट के जो नंबर रहेंगे, टेक्स्ट की जो लेंथ रहेगी ना आपकी, आपको फर्स्ट वाली बीट तक करनी है, जहाँ तक हमारी फर्स्ट वाले फ़ोटो या वीडियो रहेगी इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो इन फोटोज़ पर अपनी मतलब टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ से टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जो भी आपको अच्छे लगे, कंट्री के नाम, जो भी आपको अच्छा लगे, चाइना, जापान, कुछ भी इस तरीके से। अब गाइस एक बार मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। सो गाइस देखा आपने कितनी आसानी से वीडियो बन गई। आई होप आपकी अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको थोड़ी मुश्किल ज़रूर लग रही होगी, मगर जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे वीडियो आप भी बना लोगे बहुत आसान तरीके से। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ से ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इतना साइज़ रख के वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।